डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ पवन राठो, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज हम देखेंगे बॉटनी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक्टिनोमाइसिटीज क्या होते हैं। जैसा हमने पढ़ा इसके पहले टॉपिक में, विषाणु वायरसेस क्या होते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, तो एक्टिनोमाइसिटीज है क्या बेसिकली, इनके बारे में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका जो स्ट्रक्चर है कैसा होता है, इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इनमें जो विभिन्न प्रकार की जो लाइफ साइकिल है वो कैसी होती है, इसको हम देखेंगे। तो एक्टिनोमाइसिटीज हिंदी वर्ड भी इसका एक्टिनोमाइसिटीज ही है। इसको रे फंजाई भी कहते हैं, इससे रे फंजाई भी कहा गया। ठीक है, इसे रे फंजाई भी नाम दिया गया है। बेसिकली देखें हम तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप हैगा, ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव का एक ग्रुप हैगा, समूह है। ये बेसिकली प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। इन्हें जो स्ट्रक्चर देखें इनका, फिलामेंटस अर्थात जो संरचना है इनकी, तंतुवत होती है बैक्टीरिया के समान, फिलामेंटस बैक्टीरिया के समान होते हैं। इनमें कवक जाल माइसिलियम का फॉर्मेशन होता है, कवक जाल इनमें बनता है। कवक जाल बनने के कारण ही, माइसिलियम के कारण ही इनको एक जो समूह है, ग्रुप है, फंजाई इनपरफेक्टा ही में रखा गया। जो एक क्लास होती है, वर्ग होता है, फंजाई इनपरफेक्टा ही उसी में रखा गया है। इसका कारण है क्योंकि इनमें जो है माइसिलियम कवक जाल का फॉर्मेशन होता है, हाइफा जो है वो उसका फॉर्मेशन होता है। बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं, हमने इसके पहले चैप्टर पढ़ा, जीवाणु जो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर रहे हैं उससे खासकर ज्यादा समानता रखते हैं, अर्थात इनमें सिमिलरिटी ज्यादा होती है। बैक्टीरिया के समान ही है, क्या करते हैं, ज्यादा सिमिलरिटीज वाले होते हैं। ठीक है, इसको जो वैज्ञानिक है, ठीक, जो सी हर्ज 1877, साइंटिस्ट का नाम है सी हर्ज, 1877 में फर्स्टली डिस्कवर्ड करा था। सबसे पहले इसको एक्टिनोमाइकोसिस, इसे सबसे पहले एक्टिनोमाइकोसिस जो वर्ड है उससे लिया गया, अर्थात इसको जो मानव के जबड़े में एक जीवाणु द्वारा रोग उत्पन्न होता है, ठीक, उससे इसको लिया गया। एक्टिनोमाइसिटीज जो है एक्टिनोमाइकोसिस से इसका जो है नामनक्लेचर पढ़ा गया। इसका पृथककरण, आइसोलेशन देखे, इसको अलग कैसे करा, सेपरेट कैसे करा, तो एस ए वॉक्समैन जो साइंटिस्ट, एस ए वॉक्समैन साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले क्या करा, अलग किया, सेपरेट किया, आइसोलेशन ऑफ एक्टिनोमाइसिटीज, तो ऐसे ही वॉक्समैन। ठीक है, बेसिकली यह मेनली जो है, हम देखिए बात करें मृतोपजीवी, अर्थात मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन जो है वो लेते हैं, और कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं, दोनों स्पीसीज होते हैं, अर्थात हम बात करें सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक, ठीक है, दोनों होंगे। कहाँ पाए जाते हैं एक्टिनोमाइसिटीज, जो देखें मिट्टी में, सॉइल में प्रेजेंट होंगे, वाटर में होते हैं प्रेजेंट, विभिन्न प्रकार की दलदली जगह होती है, कीचड़ जो होता है, मड जिसको कह रहे हैं वहाँ पाए जाते हैं, दूध के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ अदर फूड सबस्टेंस अर्थात अन्य खाद्य पदार्थ जैसे सब्जियाँ, फल फ्रूट, इनमें भी यह पाए जाते हैं। इसके अलावा ये पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, प्लांट में डिसीज कॉज करते हैं। प्लांट में कौन सी डिसीज कॉज कर रहे हैं, पोटेटो स्कैब डिसीज, ठीक है, पोटेटो स्कैब डिसीज जिसको हिंदी में बोलते हैं खरसेला रोग। पौधों के अंदर एक रोग उत्पन्न हो रहा है पोटेटो, खासकर आलू में, जिसका नाम है खरसेला, इंग्लिश वर्ड है उसका पोटेटो स्कैब, हिंदी जो वर्ड रहेगा, रोग का नाम जो रहेगा हिंदी, खरसेला। ठीक, ऐसे ही मानव में भी रोग उत्पन्न करते हैं, पौधों में रोग उत्पन्न तो कर ही रहे हैं, मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न कर रहे हैं, और कुछ पशुओं में भी उत्पन्न कर रहे हैं रोग। तो मानव में कौन से रोग उत्पन्न कर रहे हैं, हम देखेंगे। मानव में आपने सुना हुआ नाम तपेदिक, इसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, या हम बात करें लेप्रोसी, क्रोड की बीमारी। तो लेप्रोसी और ट्यूबरक्लोसिस एक्टिनोमाइसिटीज के द्वारा होने वाला रोग है, बीमारी है। तो एक्टिनोमाइसिटीज के कारण ही लेप्रोसी या ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम कहते हैं सामान्य भाषा में तपेदिक, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है जिसके लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। तो ह्यूमन में लेप्रोसी एंड ट्यूबरक्लोसिस, पशु में एक जो रोग है, डिसीज है, जिसको बोलते हैं लंपी जॉ, पशुओं में एक रोग है विशेष प्रकार का, लंपी जॉ जो है वो कॉज कर रहे हैं, बीमारी उत्पन्न कर रहे हैं। एंटीबायोटिक भी प्रिपेयर कर रहे हैं इनसे, कुछ मात्रा में हम इनसे एंटीबायोटिक भी बना रहे हैं, जो कि खासकर स्ट्रेप्टोमाइसिस की जो स्पीसीज है, और जो खासकर सॉइल में पाई जाती है, ऐसे जो माइक्रो जो हम बात करें
ऑर्गेनिज्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे स्ट्रेप्टोमाइसिस, जो मिट्टी में खासकर मिट्टी में पाए जाने वाले जो एक्टिनोमाइसिटीज के मेंबर हैं उनसे हम एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक औषधियां वो है प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट सेकेंड उसमें बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।